एक छत्र की बात करें तो छत्र क्या है? सप्तम भाव है। राज्य पद अर्थात तो चौथा भाव क्या है? सिंहासन है, उस पे आप बैठेंगे तो चौथे से चौथा वो हुआ, तो सिंहासन पे बैठने का जो स्थान है ना वो सातवा है। एक प्रकार के सुख को यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव यदि आपका इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है, तो आप सुखी होकर भी सुखी नहीं है, क्योंकि सप्तम पीड़ित होगा तो सप्तम का स्वामी पीड़ित होगा, या सप्तम में कोई ऐसे ग्रह आ जाएंगे जो उस भाव को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पीड़ित अवस्था में डाल रहे हैं, तो वो देखेंगे कहाँ? ठीक सामने देखेंगे, आपको देखेंगे, तो सप्तम भाव पीड़ित अर्थात आप स्वयं पीड़ित हो जाएंगे। ये वही बात हो जाएगी कि चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, तो चतुर्थ में शनि बैठा है तो मन को तो डिस्टर्ब करेगा ही, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे जा रही है, वो आपको भी समस्या पहुंचाएगी। लेकिन जो सप्तम में बैठेगा वो प्रत्येक ग्रह की दृष्टि ठीक आपके ऊपर होगी, जो भी ग्रह बैठ जाए। केतु बैठेंगे तो राहु लग्न में आ जाएंगे, राहु बैठेंगे तो केतु लग्न में आ जाएंगे। एक दूसरा, सप्तम भाव के अंतर्गत हमने कुछ सूत्र के अंतर्गत बात की थी, जो कुछ सूत्र थे उस पे हमने आप लोगों से बात किया था। आज हम बात करेंगे उन्हीं सूत्रों में आगे बढ़ते हुए कुछ और मौलिक सिद्धांत के ऊपर, जिन सिद्धांतों से हम सप्तम भाव की व्याख्या करते हैं या हम सप्तम भाव को अन्य तरीके से भी देखते हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। यदि संभव हो सके तो आप लोग कैमरे को ऑन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपकी इच्छा। चलिए, सर्वप्रथम सप्तम भाव की हम व्याख्या करें तो सप्तम भाव के कुछ रूल हैं, वो क्या हैं? यदि सप्तम भाव में शनि या मंगल हो या वहीं सप्तमेश बन जाए, तो जातक का जो जीवन है वो थोड़ा संघर्षमय हो जाता है, और साथ ही संघर्ष के साथ साथ या तो इस जातक के जीवन साथी अनेक होते हैं या यह व्यक्ति बैरागी हो जाता है। यदि सप्तम स्थान में शनि मंगल बैठ जाए या वही सप्तमेश बन जाए, सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि मंगल बन जाए, तो इस स्थिति में जातक के अनेक संबंध होते हैं या जातक स्वयं बैरागी हो जाता है। वहां आ कौन रहा है? शनि आ रहा है, मंगल आ रहा है। शनि का काम क्या है? शनि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो शनि का काम क्या है? जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, तो उस घर की वृद्धि करेगा आपको। मंगल जो है वो शरीर का कारक है, हमारे देह का कारक है मंगल, तो इस स्थिति के अंतर्गत भी मंगल यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब देह का संबंध यदि सप्तम भाव से बन रहा है तो वो एक अच्छे योग को दर्शा नहीं रहा है। लेकिन सप्तम भाव जो है वो ध्यान भी है। आध्यात्मिक ज्योतिष की यदि हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक ज्योतिष के अंतर्गत सप्तम भाव, ध्यान है, और अष्टम भाव जो है वो समाधि है। अध्यात्म कौन सा भाव है? अध्यात्म कौन सा भाव है? बारहवा भाव है। बारहवें भाव को यदि हम लग्न बनाते हैं तो आठवें भाव में कौन आ जाएगा? सातवां भाव आ जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि अध्यात्म के अंदर यदि ऐसा व्यक्ति जाता है तो बैरागी हो जाता है, अपने दाम्पत्य जीवन को त्याग देता है। ठीक वही दूसरा रूल क्या कहता है? यदि लग्न कुंडली वर्ण वांश कुंडली में
यदि लग्न कुंडली वर्णवांश कुंडली में शुक्र शनि की राशि में हो या लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में शनि शुक्र का संबंध हो रहा हो, ध्यान देने वाली बात है, शनि और बुध को ज्योतिष के अंतर्गत नपुंसक बताए गए हैं, ठीक है। तो यदि लग्न कुंडली व नवांश कुंडली में शुक्र से संबंध कौन बना रहा है, शनि बना रहा हो या शुक्र शनि की राशि में ही हो, तो ऐसे में जातक जो है वो समलैंगिक होता है। शनि क्या है? शनि नपुंसकता का कारक है। अगले रूल पे चलते हैं। यदि सप्तम भाव व सप्तमेश का संबंध, यदि सप्तम भाव व सप्तमेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण से हो और शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठे हो या सप्तम भाव को देख रहे हो, तो इस स्थिति के अंतर्गत जातक का जो पार्टनर होता है वो अच्छा होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है, अर्थात इसी प्रकार से उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो जाता है। कब होता है? यदि इसका सार हम समझे तो सार इसका यही है कि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी जो फंक्शनली बेनिफिक है या जो नेचुरली बेनिफिक है, वैसे ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव के स्वामी हो जाएं या सप्तम भाव में को देख रहे हैं, पाप ग्रहों का संबंध सप्तम से नहीं हो, तो ऐसे में जातक का जीवन दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। ठीक, इससे थोड़े अलग हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो या पाप ग्रह वहां आ जाए, तो वो क्या कर देगा, आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट में पहुंचा देगा, आपके दाम्पत्य जीवन को कष्टमय बना देगा। आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे बिल्कुल विपरीत होगा। इसी रूल के अंतर्गत आप सन्यासी या बैरागी जो होते हैं, जो योगी होते हैं, आप उन्हें भी समझ सकते हैं। जैसे सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो, सप्तम भाव में कोई ऐसे ग्रह बैठ जाए या सप्तमेश अपने शत्रु के साथ चला जाए, पीड़ित अवस्था में आ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रहों से युति में आ जाए और शुक्र और मंगल का संबंध बन रहा हो कुंडली में, तो जातक सन्यासी या बैरागी होता है। लेकिन आपने कई जगहों पे इसे पढ़ा होगा कि शुक्र और मंगल का संबंध, जातक को शुक्र क्या है, कामुकता है, मंगल क्या है, शरीर है, तो व्यक्ति को कामुक बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा संन्यास कोई देता है तो वो मंगल देता है, शुक्र मंगल का युति ही सबसे बड़े संन्यास को भी देता है। तो यदि यह व्यक्ति शुक्र को एक्टिव करेगा तो मंगल एक्टिव हो जाएगा, तो मंगल एक्टिव होते ही इस व्यक्ति के जीवन में संन्यास को उत्पन्न कर देगा, संन्यास को दे देगा। पुनः यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो और अपने नवांश कुंडली में सप्तम भाव में शनि या बुध की राशि हो, याद हो शनि और बुध नपुंसक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और इनके राशियों को नपुंसक राशि कही जाती है। सप्तम भाव यदि पीड़ित अवस्था में है, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है और नवांश कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो शनि या बुध की हो, अर्थात 3, 6, 10, 11 राशियां वहां आ रही हैं, तो जातक के दो विवाह के योग बनते हैं।
तो जातक के दो विवाह के योग बनते हैं। पुनः सप्तम स्थान में मंगल शुक्र की युति हो या मंगल शुक्र के साथ शनि भी हो, लग्नेश अष्टम भाव में हो, ये जो रूल मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं वो 100 में 100% लगते हैं कुंडली पे, इसे सदैव स्मरण रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ जो रूल है वो किताबों में दे दिए गए हैं या किताबों के अंतर्गत हैं, ये जो रूल है वो पूर्णतः वेरीफाई है और बहुत अच्छे से कुंडली पे काम करते हैं। तो सप्तम स्थान में मंगल हो, शुक्र हो या इन दोनों में से किसी के साथ भी शनि बैठे हों, जैसे मंगल शनि हो जाए या शुक्र शनि हो जाए, लग्नेश अष्टम में गया हो, तो जातक की 3 शादियां होती हैं, 3 विवाह के योग होते हैं। लेकिन इसे भी आप स्मरण में रखेंगे देश काल और पात्र के अनुसार, कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का 3 विवाह ही होगा, उसके 3 संबंध भी हो सकते हैं, जो गुप्त रूप से हो या सामने हो। 3 संबंध को यहां दर्शाया गया है, ना कि यहां यह बताया गया है कि भाई 3 विवाह उनके होंगे। शुक्र यदि द्विस्वभाव राशि में हो या शुक्र जिस ग्रह की राशि में बैठा हो वो अच्छी अवस्था में हो, शुक्र का प्रयोग आप करेंगे पुरुष के कुंडली में और स्त्री कुंडली में आप मंगल का प्रयोग करेंगे। तो यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, स्त्री कुंडली है तो मंगल द्विस्वभाव राशि में हो। मंगल या शुक्र स्त्री या पुरुष के लिए जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव का जो राशिपति है अर्थात जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो स्वामी है वह अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो व्यक्ति के अनेक संबंध बनते हैं, तो व्यक्ति के अनेक संबंध बनते हैं। दो कुंडली बनाइए वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न की 2 कुंडलियां बनाइए आप लोग। दो कुंडली वृश्चिक लग्न की बनाइए। जी जो काली कुंडली आपने बनाई उसमें सूर्य और गुरु 12वें भाव में, सूर्य और गुरु 12वें भाव में, केतु 3रे भाव में, मंगल 10म भाव में, मंगल 10म भाव में, नवम में चंद्रमा, 11th में शुक्र। तो जो 2 विवाह का योग आपने लिखा तो इस कुंडली में आप देखेंगे
रूल क्या कहता है? यदि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो या नववांश कुंडली में सप्तम भाव में शनि या बुध की राशि हो, ठीक है, तो इस कुंडली का आप यदि नववांश निरूपण करते हैं, जो कुंडली मैंने भी आपके समक्ष रखी, इस कुंडली का आप नववांश निरूपण करते हैं तो आपको मिलेगा कि इस कुंडली के नववांश में सप्तम भाव में मिथुन राशि आ रही है, सप्तम भाव में मिथुन राशि आ रही है, जिसके अनुसार इस व्यक्ति का दो विवाह हुआ है। सप्तम भाव में मिथुन राशि आने के कारण मिथुन क्या है, नपुंसक नववांश में आ रहा है, इस कारण से इस व्यक्ति का जो विवाह है वो दो हुआ। यह आपके समझ में अच्छे से आ गया? आगे बढ़े हम, या कोई परेशानी है बताइए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सप्तम भाव के अंतर्गत आप कैसे आयु की गणना करेंगे, अर्थात व्यक्ति का विवाह कितने वर्ष में होगा, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों, तो प्रायः यह देखा जाता है कि जातक का जो विवाह है वो 18 साल से नीचे ही हो जाता है, 18 साल से नीचे ही 18 तक में हो जाता है। कुछ सूत्र हैं जिसमें यदि सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों, सूर्य आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तमेश जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश शुक्र के साथ युति में हो, तो जातक का विवाह 18 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष से नीचे ही हो जाता है। शुक्र यदि दूसरे भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, तो जातक का विवाह 18 वर्ष से नीचे हो जाता है। इनरोल के अंतर्गत हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अर्थात कुछ कुंडली के अंतर्गत इसे समझने का ही प्रयास करेंगे। शुक्र यदि केंद्र में है और लग्न का स्वामी शनि की राशि में हो, लग्न का स्वामी शनि की राशि में हो, तो जातक का विवाह 18 वर्ष तक हो जाता है। लग्न से केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 इन भावों में शुक्र हो, और जहां शुक्र बैठे हैं वहां से सप्तम में शनि बैठे हों, अर्थात शनि की दृष्टि पड़ रही हो शुक्र के ऊपर, क्योंकि विवाह कारक कौन है, शुक्र है,
तो शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही हो, इस स्थिति के अंतर्गत जातक का विवाह 19वें वर्ष में होता है। चंद्र कुंडली में, चंद्र कुंडली जो है वो या तो आप चंद्र कुंडली स्वयं बना सकते हैं या फिर जहां चंद्रमा बैठा है उसे आप लग्न बना लेते हैं तो वो चंद्र कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो जहां चंद्रमा बैठा है वहां से यदि 7वें भाव में शुक्र हो और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो इसमें आप समझेंगे कि चंद्रमा से सप्तम में शुक्र और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि की दृष्टि कहाँ से पड़ेगी, वो चंद्रमा के साथ ही होंगे तभी शनि की दृष्टि पड़ेगी। सातवीं दृष्टि शनि कहाँ से आएगी, ठीक सामने से आएगी, या 3 से या 10 से आ सकती है। तो इसके अंतर्गत चंद्रमा और शनि की युति अनिवार्य है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जातक का विवाह 18वें वर्ष में होता है। इसे पुनः एक बार हम दोहरा दें सरल शब्दों में कि लग्न कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा और शनि की युति हो और जहां चंद्रमा शनि बैठे हैं उससे ठीक सामने अर्थात सप्तम में शुक्र हो तो जातक का विवाह 18वें वर्ष में होता है। बारहवें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया हो, बारहवें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया हो, लग्न का स्वामी दशम भाव में गया हो, तो जातक का विवाह 18 वर्ष में सुनिश्चित होता है। तो जातक का विवाह 18 वर्ष में सुनिश्चित होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, इसे आप रिलेट यदि कर पाए तो आपको यह मिलेगा कि जो आपने धन योग पढ़े हैं या फिर जो आपने राजयोग पढ़े हैं उसके अंतर्गत ही ये सभी रूल आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी एकादश में हो, एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो अर्थात दूसरे और एकादश भाव का जो स्वामी है वो स्थान परिवर्तन कर रहा हो, इस स्थिति में जातक का विवाह 18 वर्ष में हो जाता है। इस स्थिति के अंतर्गत जातक का विवाह 18 वर्ष में सुनिश्चित हो जाता है। यदि शुक्र दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी मंगल के साथ हो तो जातक का विवाह 22 या 27वें वर्ष में होता है। तो जातक का विवाह 22 या 27वें वर्ष में होता है। इसके अंतर्गत जो है वो शुक्र दूसरे भाव में होना चाहिए, दूसरे भाव का जो स्वामी है वो मंगल के साथ होना चाहिए, तो जातक का विवाह 22 या 27वें वर्ष में होता है। लग्न का स्वामी 9वांश कुंडली में, लग्न का स्वामी 9वांश कुंडली में
सप्तम भाव के स्वामी की राशि में हो, तथा सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में 12वें भाव में गया हो, तो जातक का विवाह 23 या 26 वर्ष में होता है। 23 या 26 वर्ष में होता है। ये जो रूल है वो दशा गोचर के साथ आप इसे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिस वक्त दशा आ रही हो तो उसी वक्त ये योग भी आपको मिलेंगे। वहीं अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में हो, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम भाव में स्थित हो, तथा शुक्र नववांश कुंडली के अंतर्गत लग्न में हो तो जातक का विवाह 25 या 23 वर्ष में होता है। तो जातक का विवाह 25 या 23 वर्ष में होता है। पुनः यदि लग्न से पंचम या नवम अर्थात 5वें या 9वें भाव में शुक्र हो तथा राहु के साथ बैठा हो, तो जातक का विवाह 31 से 33 वर्ष के बीच में संपन्न होता है। यह जो रूल है बहुत ही इफेक्टिव लगता है। यह जो रूल है कि यदि शुक्र और राहु की युति हो पंचम या नवम भाव में, तो आप यह देखेंगे कि जातक का जो विवाह है वो 31 से 33 वर्ष के बीच में होता है। यदि तृतीय भाव में शुक्र हो तथा नवम में तृतीय भाव में शुक्र हो तथा नवम भाव में सप्तम भाव का स्वामी हो तथा नवम भाव में सप्तम भाव का स्वामी हो, तो जातक का विवाह 30 या 27 वर्ष में होता है। तो जातक का विवाह 30 या 27 वर्ष में संपन्न होता है। ये जो आपको विवाह के वर्ष बताए गए हैं यह सभी प्रमाणिक है, प्रमाण के साथ है, अर्थात यह सभी कुंडली पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लगते हुए मिलेंगे। एक कुंडली बनाइए वृषभ लग्न की, एक वृषभ लग्न की कुंडली बनाए।
इस कुंडली में मंगल और शुक्र तीसरे भाव में, मंगल और शुक्र तीसरे भाव में, मंगल शुक्र तीसरे भाव में, शनि दशम भाव में। जी, इस कुंडली में शनि दशम में है, मंगल और शुक्र तीसरे में है, तो एक योग पे अभी हमने चर्चा की थी, वो यह योग था कि तीसरे भाव में शुक्र हो, तीसरे भाव में शुक्र हो, तथा नवम में सप्तमेश हो, तो जातक का विवाह 30 या 27 वर्ष में होता है। तो आपको इस योग के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? बिल्कुल। मेरी जी आवाज आप लोगों तक जा रही है? जी जा आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो इस कु ये जो कुंडली आपने वृषभ लग्न की बनाई, तो इसमें आप देखेंगे कि शुक्र तीसरे भाव में है और मंगल भी शुक्र के साथ में बैठा है, और मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पे जा रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पे जा रही है। मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल सप्तम भाव के स्वामी है। तो इस जातक का जो विवाह है वो 26वें वर्ष में हुआ है। तो ये जो वर्ष है वो 1 साल 6 महीने आगे पीछे रहेंगे, लेकिन यार पूरी तरीके से आपको कुंडली पे काम करते हुए दिखेंगे। तो इस व्यक्ति का विवाह 26वें वर्ष में हुआ। दूसरी एक कुंडली कन्या लग्न की बनाइए। लग्न में शुक्र हैं, सूर्य बुध और मंगल, सूर्य बुध और मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, शुक्र लग्न में है। एक रूल पे हमने बात की थी, वो रूल यह था कि शुक्र यदि दूसरे भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल के साथ हो, तो जातक का विवाह 22 या 27 वर्ष में होता है, 22 या 27 वर्ष में होता है। तो इस ये जो कुंडली अभी आपने बनाई कन्या लग्न की, तो इसमें आपको दिखेगा कि 12वें भाव का स्वामी सूर्य दूसरे भाव में गया है। वो किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ में बैठा है। एक और यहाँ कि शुक्र कहाँ होने चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग? दूसरे भाव में। लेकिन शुक्र जो है वो दूसरे भाव में नहीं है, यह रूल आधा घटित हुआ है, तब भी जातक का विवाह 23वें वर्ष में सुनिश्चित हुआ, तब भी जातक का विवाह 23वें वर्ष में सुनिश्चित हुआ। तो आपको थोड़ा मामूली अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो विवाह का उम्र है वो लगभग जैसा है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी अंतर मिलेगी। कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए, कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए।
गुरु लग्न में, गुरु लग्न में शनि छठे भाव में, शनि छठे भाव में, शुक्र एकादश भाव में, तो इस कुंडली में आप देखेंगे जो एक रूल हमने आप लोगों के समक्ष साझा किया वो यह था कि सप्तम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में हो, अपने शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, और सप्तम भाव पे अच्छे ग्रहों का संबंध बन रहा हो। तो इस कुंडली में गुरु जो हैं वो ठीक सप्तम को देख रहे हैं, गुरु ठीक सप्तम को देख रहे हैं, यहाँ गुरु त्रिचढ़ाय हो रहे हैं लेकिन भाग्य के भी स्वामी हैं, सप्तम को देख रहे हैं। शनि जो हैं वो गुरु की राशि में गए हैं, और यह रूल आप लोगों को अच्छे से स्मरण में होगा कि शनि राहु केतु मंगल, केतु को छोड़ दें तो शनि राहु और मंगल ये उपचय भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जातक का जो विवाह है वो 18 वर्ष से पहले ही संपन्न हो गया। कहे तो इस जातक के मूछ मूछ भी नहीं थे तभी इस जातक का विवाह संपन्न हो गया। एक और कुंडली पे हम बात करेंगे, तुला लग्न की कुंडली है, बनाइए। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में शुक्र है, लग्न में शुक्र है, दूसरे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, दूसरे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, और एकादश भाव में मंगल और गुरु बैठे हैं। एक रूल जिसपे हमने बात की वो यह था कि दूसरे भाव का स्वामी एकादश में और एकादश भाव का स्वामी दूसरे में जाता है तो जातक का विवाह 18 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष से नीचे ही सुनिश्चित हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और देखने को मिलेंगी इसी कुंडली में आपके सामने कि ये जो कुंडली है इस कुंडली के अंतर्गत जातक के तो विवाह के योग बन गए, विवाह के योग बन गए, विवाह होने चाहिए, लेकिन व्यक्ति का जो विवाह है वो 35 वर्ष की उम्र में हुआ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस कुंडली में इस जातक का विवाह 35 वर्ष की उम्र में क्यों हुआ? आपने उन चीजों को स्मरण किया है, पढ़ा भी है, आप लोगों के ध्यान में भी है, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ जोड़ लगाने की ये है। मंगल के साथ कौन आ रहे हैं जो इस संबंध को बना रहा है कि दूसरे का स्वामी एकादश में, एकादश का स्वामी दूसरे में, तो मंगल के साथ कौन आ रहे हैं? मंगल के साथ गुरु आ रहे हैं। गुरु क्या है? तुला लग्न की गुरु, तुला लग्न की कुंडली में गुरु त्रिचढ़ाय हैं दोनों तरीके से। तो इस बात को भी स्मरण करने योग्य है कि आप किसी भी रोल को देख रहे हैं, यदि उस रोल में आप किसी प्रकार इफ्लेक्टेड अवस्था देख लेते हैं, पीड़ित अवस्था देख लेते हैं, जो ग्रह रोल को बना रहे हैं और वो स्वयं पीड़ित अवस्था में आ जाएं, तो वहां आपको वह रोल घटित होते हुए, वह सूत्र अपने फल को देते हुए नहीं देख, आप उसे नहीं देख पाएंगे, वो अपने फल को नहीं दे रहा होगा। तो इस कारण ही इस जातक का जो विवाह है वो 35वें वर्ष में हुआ, क्योंकि गुरु त्रिचढ़ाय होकर मंगल के साथ आ गए, जो मंगल इस रूल को अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत
इस सूत्र को बना रहा था। यदि विवाह कारक ग्रह जो शुक्र है वह या सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 में चल 6 8 12 भाव में चला जाए तो देखा जाता है कि जातक का जो जीवन साथी होता है वो हमेशा पीड़ित अवस्था में होता है। क्योंकि छठा भाव क्या है? रोग दीन शत्रु है। आठवा भाव क्या है? कष्ट है। और उस व्यक्ति के जीवन साथी का जी यदि सप्तम भाव का स्वामी या विवाह कारक शुक्र छठे भाव में या आठवें भाव में चले जाते हैं तो छठा भाव क्या है? रोग दीन शत्रु है। आठवां भाव क्या है? कष्ट है। उसमें चले गए तो जातक का जो जीवन साथी होता है वो पति हो या पत्नी हो वो रोगी होता है, अपने शरीर से पीड़ित रहता है, अपने आप से मानसिक पीड़ित रहता है। और यह जो पीड़ा है वो 33वें वर्ष में ज्यादा होती है। यह जो पीड़ा है वह 33वें वर्ष में ज्यादा होती है। वहीं सप्तम भाव का स्वामी यदि 8वें में गया है और 12वें भाव का स्वामी 7वें में आया हो सातवां भाव का स्वामी 8वें में कष्ट में चला गया, 12वें भाव का स्वामी जो हानि है वो कहाँ आ गया? 7वें में आ गया। तो हानि किसकी हो गई? आपके बिजनेस की हानि या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की हानि हो गई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जीवन साथी आपका है वो अपने जीवन के अंतर्गत अत्याधिक कष्ट को झेलता है। क्या कौन से कष्ट को? शारीरिक कष्ट को, शरीर की उसकी हानि होती है या उसके बिजनेस की हानि होती है। एक चीजें और, ये जो रोल आपके समक्ष रखा गया इन सभी रोल को आप विवाह के साथ साथ आप बिजनेस में भी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कि यह जो व्यक्ति है वो इस उम्र के अंतर्गत किसी ना किसी स्टार्टअप को शुरू करने का प्रयास किया या किसी प्रकार से इसने अर्निंग की, यह भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में यदि राहु हो, सातवें भाव में मंगल बैठे हो, दूसरे भाव में यदि राहु हो, सातवें में यदि मंगल बैठे हो, थोड़ा इसे कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मंगल जब सातवें में होगा तो मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? दूसरे भाव वाले, दूसरे जी भाव पे जाएगी, राहु के ठीक ऊपर जाएगी। राहु क्या है? 20 है। मंगल कहाँ बैठा है? सप्तम में बैठा है। तो विवाह होगा तो क्या होगा? सातवां भाव एक्टिव हो जाएगा। सातवां भाव एक्टिव होगा तो किसे एक्टिव कर देगा? राहु को एक्टिव कर देगा। राहु कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव क्या है? भोजन है। तो इस जातक का जो जीवन साथी होगा वो किन्हीं कारणवश आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है, या यहाँ यह भी कहें यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो मंगल ऊर्जा है, मंगल एक्शन है, मंगल योगा है, राहु इंटरनेट है, दूसरा भाव धन है। तो योगा या ऊर्जा या इंजीनियरिंग के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू इस व्यक्ति का जीवन साथी धन अर्जित कर सकता है।
तो इसे आपको दोनों बे में लेके चलना है, एक नेगेटिव बे है एक पॉजिटिव बे है, और अपने आप को कभी नेगेटिव ना करके पॉजिटिव ही रखें तो अच्छा है आपके लिए। जी कुंडली के अंतर्गत, लग्न कुंडली के अंतर्गत शुक्र और बुध की युति हो सूर्य और शुक्र और बुध की युति हो और शुक्र और बुध से ठीक सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हों, तथा अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तो जातक के 3 विवाह के योग होते हैं और दो विवाह टिक नहीं पाता है, दो विवाह टिक नहीं पाता है। शुक्र के साथ कौन आ गए? बुध आ गए। बुध जो नपुंसक है इसे सदैव याद रखिएगा, खासकर विवाह के लिए और कोर्ट केस इन सब चीजों के लिए। बुध और शनि यदि आ रहे हो छठे भाव से या सप्तम से संबंध इनका बन रहा है तो किसी न किसी प्रकार की हानि आपके जीवन में वो ऐड करते हैं। यदि बुध बकरी अवस्था में है तो बुध पे बात फिर कभी होगी ही, तो यह जेल यात्रा तक के योग को बना देते हैं अकेले बुध। यह जो है वो सप्तम भाव की कहानी है। सप्तम भाव संबंधित यदि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, अभी आपने बताया सप्तम सप्तमेश 8th में चला जाए, 8th सप्तमेश ठीक में चला जाए, है। जैसे सप्तम लोड है, दो राशि है वहां पे, वीनस आ गया ना, वीनस 8th में चला गया, पर ठीक है उसकी ठीक मूल त्रिकोण राशि तो 12th में चली गई, सात 12th है। लोड भी हो गया ना समझो 8th में, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? इसका क्या प्रभाव होगा? पाउस पीड़ा में सातवें का स्वामी आठवें में गया, सातवें का भी स्वामी है और 12th का भी स्वामी। तो इसके लिए दो प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, या प्रेडिक्शन कर एक प्रेडिक्शन आपका होगा कि भाई जो आपका जीवन साथी है वो पीड़ा में होगा, उसे पीड़ा होंगे और साथ ही पीड़ा के साथ साथ उसे शारीरिक अर्थात कहें तो मेडिकली ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा? लेकिन दूसरा यह आपका प्रेडिक्शन हो सकता है वहां कि इस जातक का जो जीवन साथी होगा वो किसी हॉस्पिटल के अंतर्गत सर्जन का काम कर रहा होगा। नहीं, नहीं कर रहा काम। नहीं कर रहा है तो पीड़ा होगी, पीड़ा नहीं है तो किसी ना किसी रिसर्च के काम में या फिर फॉरेन कंट्री में होगा। अगर ना हो तो सर पीड़ा, इसकी रेमेडी क्या बनेगी? रेमेडी कुछ नहीं है, रिसर्च के काम में जोड़ दीजिए या फिर जन्म स्थान से दूर कर दीजिए। जन्म स्थान से तो दूर है, तो कोई जन्म समस्या स्थान से नहीं। दूर दूर होने से समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि हाँ निश्चित मूल त्रिकोण राशि तो साथ ही है ना।
वो 12वें घर में बैठी है, जी, निश्चित, उसमें कोई दो वो राय नहीं जन्म है, स्थान से वो दूर है। जन्म स्थान से दूर रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव क्या है, 12वां भाव आपका हॉस्पिटल है, हानि है, साथ हाँ जी ही 12वां भाव जो है वो विदेश है, हाँ आठवां जी भाव हाँ जी मेडिकल है, हाँ और जी आठवां भाव जो है ना वो डॉक्टर है, हाँ जी रिसर्च है, आठवां भाव सर्जन है। पर तो इंजीनियरिंग ऐसे भी आ जाता, इंजीनियर भी आ हाँ जाता ना, हाँ इंजीनियरिंग भी आठवां भाव है, इंजीनियर है वो। तो अब क्या चाहिए, पीड़ा होगी ही नहीं उसे। बस ठीक है सर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तो आप यूटिलाइजेशन को भी देखना है, इसलिए किसी की भी आप चार्ट को देखते हैं हाँ तो जी आप उसकी डिटेल लेने के साथ साथ उससे यह भी पूछ लें कि भाई आप काम क्या करते हैं, ठीक है आप सर, पता चले कि आप धड़ल्ले से उसे आप कहे जा रहे हो कि भाई ऐसा है आपके कुंडली में कि आपको तो रोग, आपको तो कर्ज मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो और कहेगा मुझे तो कुछ है ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, हाँ जी ठीक है सर, ठीक ये है, पहले उससे पूछ लें, वो अच्छा रहेगा। चलिए, ओके सर, और कोई ओके प्रश्न सर। आप लोगों का इस भाव को ले? यदि सप्तमेश आपने बताया कि 6, 8, 12 में हो, जी बोलिए। जी, तो उस पर यदि गुरु से वो दृष्ट हो तो फिर भी पीड़ा होगी? नहीं, गुरु से यदि वो दृष्ट है तो पीड़ा नहीं होगी, जी गुरु से यदि वो दृष्ट है तो पीड़ा नहीं होगी, लेकिन यह ध्यान देने जी वाली जी बातें हैं कि गुरु यदि फंक्शनली मैलेफिक हो जाए तो, जी फंक्शनली मैलेफिक कैसे हो जाएगा, वो त्रिशराय बन जाए दोनों तरीके से, जैसे तुला लग्न की कुंडली हो तो उसमें गुरु, तो अभी जी मैंने एक जी कुंडली आप लोगों के सामने रखी तुला लग्न की कुंडली, उसमें आपने देखा कि व्यक्ति का विवाह 18 वर्ष तक में हो जाना चाहिए, लेकिन उसका विवाह 35 वर्ष में हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उस जातक के कुंडली में गुरु जो हैं वो त्रिशराय हैं और साथ में वो बैठे हैं मंगल के, मंगल ही इस योग को बना रहा है, जी ठीक है, तो तो ये सप्तम भाव। गुरु वैसे जी वृषभ, जी वृषभ लग्न का है, ये अष्टमेश और एकादशेश हुआ है। वो तो पर्टिकुलर कुंडली की आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि वृषभ लग्न की हम बात करें तो वृषभ लग्न के कुंडली के अंतर्गत गुरु जो है वो 8वें और एकादश का स्वामी हो जाएगा, तो गुरु यहाँ भी समस्या देने वाला है, तो यहाँ पर जी गुरु का जी जो दृष्टि है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा तो मूलतः देखा जाए तो सप्तम भाव जो है वो विवाह का है, यौन संबंधों को हम सप्तम भाव से देखते हैं, स्थान परिवर्तन को हम सप्तम भाव से देखते हैं, क्योंकि स्थान परिवर्तन भी सप्तम भाव देता है, पति या पत्नी के चरित्र का स्वभाव का भी वर्णन हम सप्तम भाव से करते हैं, व्यापार का वर्णन हम सप्तम भाव से करते हैं, बारहवा भाव किसी भी कुंडली का 12वां भाव आपके अगले भाव की हानि करता है, ठीक है, वैसे ही शत्रु नाश के लिए, शत्रु की नाश के लिए या शत्रु के नाश के लिए सप्तम भाव ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो वाद विवाद हमारे जीवन में आते हैं वो सप्तम भाव हमें देता है, इंटरनेशनल या फिर कहें फॉरेन कंट्री के लिए हम 12वें भाव का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विदेश के जमीन के लिए, विदेश की सरजमी के लिए, या कहें तो अंतरराष्ट्रीय किसी भी मामले के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे, या आप किसी दूसरे राज्य में गए हैं उस राज्य में आप भूमि ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वह भी आपका सप्तम भाव ही है। आप यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं वो भी आपका सप्तम भाव ही है,
किसी भी प्रकार के का आपका रिलेशनशिप हो, वो व्यापारिक हो या पर्सनली हो, कोई भी आप संबंध किसी से भी बना रहे हो, तो वह संबंध आपका सप्तम भाव ही बनाता है। इसे ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है? और कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो बताएं।